पैनी सेव्ड इज पैनी अर्न्ड, या मैं कहूँ पैसे को बचाना ही पैसा कमाने के बराबर होता है। ये कहावत तो आप लोगों ने जरूर सुनी होगी। लेकिन अगर आप उस बचे हुए पैसे पर फर्दर इनकम जनरेट करना चाहते हैं तो आपको उस पैसे को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करना होगा, और इन्वेस्टमेंट के पीछे होने वाली इनकम को हम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कहकर भी बुलाते हैं। लेकिन कभी आपने ये सोचा है कि आपको इन्वेस्टमेंट के पीछे इनकम मिलती क्यों है? क्योंकि कहते हैं ना, फ्री में कुछ भी नहीं मिलता, हर चीज की कीमत चुकानी होती है। ऐसा ही कुछ केस इन्वेस्टमेंट का भी होता है। इन्वेस्टमेंट के केस में आपको इनकम इसलिए मिलती है क्योंकि आप रिस्क को बियर करते हैं, और इसीलिए रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को रिवॉर्ड फॉर रिस्क कहकर भी बुलाया जाता है। जनरल रूल ऑफ इन्वेस्टमेंट हमें यह कहता है कि जितना ज्यादा आप रिस्क उठाते हैं उतना ही ज्यादा आपको गेन भी होता है। मतलब आपका जो प्रॉफिट है वो कंप्लीटली इसी बात पर डिपेंड करता है कि आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी कितनी है। और जब बात होती है रिस्क की, तो हम उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है हमारा मार्केट रिस्क, जिसको हम सिस्टमैटिक रिस्क कह के बुलाते हैं, और एक हमारा होता है यूनिक रिस्क, जिसको हम अनसिस्टमैटिक रिस्क कहकर बुलाते हैं। क्योंकि आपकी इनकम कंप्लीटली आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी पर डिपेंड करती है, इसीलिए आप लोगों के लिए बहुत जरूरी हो जाता है इस चीज को समझना कि रिस्क क्या है और कैसे काम करता है। तो आइए हम पहले जल्दी से समझ लेते हैं इस सिस्टमैटिक और अनसिस्टमैटिक रिस्क के कॉन्सेप्ट के बारे में। मार्केट रिस्क वो रिस्क होता है जो ओवरऑल कैपिटल मार्केट के लिए कॉमन होता है। जैसे कि कोविड लॉकडाउन के कारण हर बिजनेस हाउस को लॉस उठाना पड़ा, 2008 के अंदर अमेरिका के अंदर सब प्राइम क्राइसिस आए और उसका इंपैक्ट इंडियन कैपिटल मार्केट को भी फेस करना पड़ा। लेकिन दूसरी तरफ हमारे पास होता है अनसिस्टमैटिक रिस्क, जो कि कंपनी स्पेसिफिक या इंडस्ट्री स्पेसिफिक होता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी कंपनी के मैनेजमेंट में डिस्प्यूट हो गई, या गवर्नमेंट एक ऐसी पॉलिसी को लेकर आई है जो किसी स्पेसिफिक इंडस्ट्री के फेवर में नहीं है, तो ये जो रिस्क है ये पर्टिकुलरली किसी कंपनी से रिलेटेड है। और अनसिस्टमैटिक रिस्क की खासियत ये होती है कि आप इसको अवॉइड कर सकते हैं, और अनसिस्टमैटिक रिस्क को अवॉइड करने के लिए जो स्ट्रेटेजी अडॉप्ट की जाती है उसको डाइवर्सिफिकेशन कहके बुलाया जाता है। डाइवर्सिफिकेशन का कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल है, जो हमें कहता है नेवर कीप ऑल योर एग्स इन ए सिंगल बास्केट। मतलब कि सारा का सारा पैसा सिंगल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में मत इन्वेस्ट कीजिए, बल्कि आप अपना थोड़ा थोड़ा पैसा मल्टीपल इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर इन्वेस्ट करें। इसका बेनिफिट क्या होता है कि अगर मान लीजिए आपको किसी पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट के अंदर लॉस हो जाता है, तो दूसरे इंस्ट्रूमेंट में अगर आपको प्रॉफिट होगा तो उस प्रॉफिट से आप अपने लॉस को कंपनसेट कर सकते हैं। क्योंकि आप अनसिस्टमैटिक रिस्क को अवॉइड कर सकते हो, इसलिए जब भी आप अपना पैसा कहीं पे इन्वेस्ट करते हो तो आपको जो रिटर्न जनरेट होता है उसके पीछे का रीजन कभी भी अनसिस्टमैटिक रिस्क नहीं होता, बल्कि उसके पीछे का रीजन होता है मार्केट रिस्क। इसीलिए अगर मैं ये कहूँ कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को रिवॉर्ड फॉर रिस्क कहा जाता है, तो हम इसको रिवॉर्ड फॉर मार्केट रिस्क कहकर भी बुला सकते हैं। क्योंकि मार्केट रिस्क एक ऐसा रिस्क फैक्टर है जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते, बट आप इसे ऑप्टिमाइज जरूर कर सकते हैं। और अगर आप अपने रिस्क को ऑप्टिमाइज करना चाहते हैं तो आपको चाहिए एक बहुत ही अच्छा पोर्टफोलियो मैनेजर। रिस्क को ऑप्टिमाइज करने का मेरा मतलब यह है कि आपने अपने पोर्टफोलियो को इस तरीके से कंस्ट्रक्ट करना है कि मिनिमम रिस्क पर आप मैक्सिमम रिटर्न को जनरेट कर पाए। So that was all from my side. I hope कोई वीडियो अच्छा लगा होगा, तो इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर।